हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज है संडे और मैं आपके साथ आज थर्ड वीकली प्लानर शेयर करने जा रही हूँ कि इस हफ्ते हम अपने बच्चों को क्या पढ़ाने वाले हैं। फर्स्ट एंड सेकंड वीक का प्लानर अगर आपने नहीं देखा है तो मैं कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, तो आप वहाँ से डायरेक्टली जाके देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस हफ्ते के प्लानर में क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें पढ़ाना है। तो इस हफ्ते का जो बेसिक आउटलाइन रहेगा वो है, अल्फ़ाबेट में हम लेटर टी करेंगे, यानी कि टी और उसका फोनिक ट। उसके बाद नंबर में हम नंबर 3 करेंगे, बिकॉज हमने लास्ट टाइम 1-2 किया है तो अभी 3 का टर्न है। राइम्स में हमने लास्ट वीक ओल्ड मैकडॉनल्ड किया था, तो इस बार हम 1-2 बकल माई शू करके एक राइम है, वो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। 1-10 उस राइम में सिखाया गया है, तो नंबर रिलेटेड राइम है तो वो उनको हेल्प करेगा। उसके बाद हम उनको ऑपोजिट्स में, लास्ट टाइम हमने बिग स्मॉल कॉन्सेप्ट किया था तो इस बार हम टॉल एंड शॉर्ट कॉन्सेप्ट करेंगे, और शेप्स में हम ट्राइंगल करेंगे क्योंकि हम नंबर 3 इस हफ्ते कर रहे हैं। बहुत बच्चों को ट्राइंगल बनाना आता होगा लेकिन बच्चे कोरिलेट नहीं कर पाते हैं कि 3 साइड्स होता है, तो मतलब 1-2-3 साइड्स है ट्राइंगल का, ये नहीं पता होता है, लेकिन हम मतलब बच्चे ट्राइंगल बना लेते हैं। तो आपको ये चीज़ सिखानी है कि हम क्योंकि नंबर 3 सीख रहे हैं तो 3 साइड्स है तो ट्राइंगल है, क्योंकि जब नेक्स्ट आएगा तो हमारा रेक्टेंगल आएगा और 4 साइड्स रहेगा, तो बच्चे इस तरह से सीख पाएंगे कि कितने साइड्स हैं सारे शेप्स में। ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो कि इस हफ्ते की आउटलाइन में है। उसके बाद देखते हैं कि मंडे टू थर्सडे हमें क्या क्या कराना है। मंडे को हम अल्फ़ाबेट और नंबर दोनों ही उनको इंट्रोड्यूस करेंगे, अल्फ़ाबेट का आइडेंटिफिकेशन, अल्फ़ाबेट के साथ साथ उसका फोनिक का जो साउंड है वो हम उनको इंट्रोड्यूस करेंगे, और उस साउंड से निकलने वाले 3 वर्ड्स हम उनको बताएंगे। इस तरह से आपको बिग टी बताना है और फोनिक टी जो स्मॉल लिखा हुआ है वो बताना है, और ट उसका साउंड होता है ट। तो और इस तरह से 3 वर्ड्स उससे स्टार्ट होने वाले, आप 3 से 4 वर्ड्स बता सकते हैं, और अगर आपके पास इस तरह की कोई कलरिंग बुक है तो आप उनसे कलरिंग कराएंगे तो उन्हें याद रहेगी चीज़ें। साथ में एक फन शीट रहेगा जिसमें कि आप 3 तरह का ड्राइंग कर सकते हैं, अलग अलग लेटर से स्टार्ट होने वाली चीज़ें रहेंगी, और उसमें से बच्चे को चूज़ करना है कि कौन सी चीज़ लेटर टी से स्टार्ट होती है और उसको कलर करना है। इसके अलावा आप एक और ड्राइंग कर सकते हैं, इस तरह से ट्री बना सकते हैं और उसमें अलग अलग अल्फ़ाबेट्स लिख सकते हैं। बच्चों को सिर्फ लेटर टी को ही कलर करना है ग्रीन से, और बाकी सारे अल्फ़ाबेट वो ब्राउन से करेंगे तो वो एक तरह से ट्री बन जाएगा। नंबर में भी हमें सेम चीज़ करना है, नंबर का आइडेंटिफिकेशन, नंबर का फिंगर ट्रेसिंग। इसके साथ साथ आप एक एक्टिविटी मंडे को करा सकते हैं कि बच्चों ने एल पढ़ा हुआ है, ई पढ़ा हुआ है और इस हफ्ते वो टी पढ़ रहे हैं, तो ये तीनों ही लेटर के जो साउंड से स्टार्ट होने वाली जो चीज़ें होती हैं वो घर में ही कुछ चीज़ों को कलेक्ट करके उनको दिखाना है आपको। जैसे एल से लेमन है तो आप उनको लेमन दे दीजिए, एनवेलप दे दीजिए, फिर टी से टोमेटो दे दीजिए या फिर कोई भी टॉय दे दीजिए, फिर उनसे पूछना है कि कौन सी चीज़ क्या है, इससे उनको जो पहले के साउंड्स हैं उसका भी रिविजन हो जाएगा। डे 2 पे आपको लेटर टी का इस तरह से ट्रेसिंग और राइटिंग करवाना है। हमेशा ध्यान रखिए कि 4-line नोटबुक में ही उनको प्रैक्टिस कराइए ताकि उनको स्कूल में भी काम आए। अब क्योंकि अल्फ़ाबेट की राइटिंग की है तो आपको नंबर बिल्कुल रिलैक्स रखना है, तो नंबर में उनको आप राइस स्क्रीन पे लिखवा सकते हैं, आप उनको पेंट से लिखवा सकते हैं, तो ये बहुत ही उनके लिए रिलैक्स्ड एक्टिविटी हो जाएगी, तो आप इस तरह से उसको बैलेंस कर सकते हैं। उसके बाद डे 2 पे ही बच्चों को आप ट्राइंगल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इस तरह का फन शीट आप दे सकते हैं उनको, जस्ट एक डॉटेड ट्राइंगल दीजिए और उनको ट्रेस करेंगे और कलर करेंगे। उसके बाद हम आते हैं डे 3 पे। डे 3 पे लेटर टी की एक फन शीट होगी, इस तरह से आप फन शीट बना सकते हैं। आप लेटर टी लिखिए और उसका फोनिक यानी कि स्मॉल लेटर जो हम बोलते हैं तो वो टी लिखिए, और वहाँ पे बच्चे कॉटन डैप पेंटिंग करेंगे, यानी कि कॉटन को पेंटिंग पेंट में डिप करके उस पर पेंटिंग करेंगे, और नंबर का ट्रेसिंग एंड राइटिंग होगा जो कि प्रॉपर जैसे हमने टी का किया है वैसे ही नंबर का प्रैक्टिस वो करेंगे स्क्वायर बुक में, या फिर आप सिंपल प्लेन शीट में बना के दे सकते हैं उनको। और डे 3 पर ही क्योंकि अल्फ़ाबेट में उन्होंने रिलैक्स्ड एक्टिविटी की है और नंबर भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है लिखने के लिए, फिर आप उनको ऑपोजिट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जो हमने कहा कि टॉल एंड शॉर्ट का कोई भी कॉन्सेप्ट आप उनको बता सकते हैं, अपने बारे में बता सकते हैं, आप और उनकी हाइट के अकॉर्डिंग कौन टॉल है कौन शॉर्ट है, घर के जो फैमिली मेम्बर्स हैं उसमें एग्जाम्पल देके आप उनको टॉल एंड शॉर्ट का एग्जाम्पल मतलब सिखा सकते हैं। इस तरह का वर्कशीट आप उनको बना के दे सकते हैं कि जिसमें कि आप एक टॉल ट्री बनाइए और एक शॉर्ट ट्री बनाइए, और बच्चों को शॉर्ट ट्री को एक कलर से कलर करना है और जो टॉल ट्री है उसको दूसरे कलर से कलर करना है, तो इस तरह से आप खुद से भी कलर डिसाइड कर सकते हैं। और वैसे ही आप बिग स्मॉल का भी बना दीजिए ताकि उन्होंने जो लास्ट वीक पढ़ा था तो वो उनका रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं डे 4 पे। तो डे 4 पे अगेन आप लेटर टी का उनको राइटिंग प्रैक्टिस कराएंगे, बिकॉज बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस लगता है फोनिक टी लिखने में। उसके बाद नंबर में वो फन शीट कर सकते हैं। नंबर का फन शीट इस तरह से बना सकते हैं, लेफ्ट साइड में आपको 1-2-3 करके लिखना है क्योंकि उन्होंने 1-2 भी पढ़ा हुआ है, और राइट साइड में इस तरह के बॉक्सेस बनाने हैं। बच्चे फिंगर पे पेंट लेंगे और अगर 1 लिखा है तो 1 डॉट करेंगे, 2 लिखा है तो 2 डॉट्स करेंगे।
तो ये सारी एक्टिविटीज़ हमें अपने बच्चों को मंडे टू थर्सडे कराना है, और बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ नहीं करना है, बच्चों के मूड के अकॉर्डिंग करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए जस्ट स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।